हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम जैसे कि हमारा कोई जेपीजी पेज है जो हमारे हिंदी में टाइप किया हुआ, अगर उसको हम टाइप करना चाहते हैं तो हमें टाइप करने में ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए हम उसको बिना टाइप किए हुए गूगल के द्वारा कन्वर्ट करके वर्ड में पॉइंट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक जेपीजी पेज है जिसको हमारे हिंदी में टाइप किया हुआ, अगर उसको टाइप करना नहीं चाहते हम सीधे वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं वर्ड की फाइल में, तो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। इसको हम गूगल डॉक्यूमेंट की सहायता से करेंगे। इसका उपयोग हम जब करते हैं जब हमारे पास कोई पूरी बुक होती है जो हमको टाइप करनी होती है, तो अगर हम उसको टाइप करना नहीं चाहते हैं तो हम उसको स्कैन करके और गूगल डॉक्यूमेंट की सहायता से उसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले अपने गूगल ओपन कर लेते हैं और गूगल ऑप्शन में हमें डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। गूगल डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पर ऑप्शन में आके ड्राइव पर क्लिक करना है। गूगल डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके अंदर फाइल अपलोड पर क्लिक करना है। फाइल अपलोड पर क्लिक करके हम जिस भी पीडीएफ फाइल या फिर जेपीजी फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम किसी भी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेज है उसको हम बिगर टाइप किए हुए पीडीएफ या फिर जेपीजी को सीधे वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिससे हमारी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, हम इसको ओपन विथ गूगल डॉक्यूमेंट कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा ऑटोमेटिक हमारी कन्वर्ट कर देगा वर्ड के अंदर, जिसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे हिंदी में टाइप किया हुआ था, ये हमारे हिंदी में ही टाइप हो चुका है। उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से किसी भी पीडीएफ या फिर जेपीजी जो भी हमने टाइप किया हुआ है इसको हम बिगर टाइप किया उसको वर्ड में या फिर फॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। जिसके अंदर जैसे हम इस पर कोई भी फाइल अब अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी वर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हमारी फाइल वर्ड में कन्वर्ट नहीं होती है तो हमें यहाँ पर टूल्स ऑप्शन में आके ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और हमें जिस लैंग्वेज में हमारे शब्द को कन्वर्ट करना है वो यहाँ से उस लैंग्वेज को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें हिंदी में चाहिए तो हम हिंदी ट्रांसलेट पर क्लिक कर लेते हैं, ये हमारे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं हमारे किसी और लैंग्वेज में, हम यहाँ से दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें इंग्लिश में चाहिए तो हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं, ये हमारे यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके अंदर हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये अपने आप ही ऑटोमेटिक किसी भी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकता है। इसके अंदर तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है जिसको हम एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों। इसका उपयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे लोग बुक टाइपिंग या फिर दिन भर टाइपिंग का काम करते हैं, जिसके अंदर वो जेपीजी या फिर किसी भी फाइल या बुक को टाइप करते हैं तो वो उसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्यूमेंट की सहायता से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसकी फॉर्मेटिंग चेक कर लेते हैं, जिससे उनका काफ़ी समय बच जाता है दोस्तों। आप भी इसी तरह इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो अपने फ्रेंड से भी शेयर करें और उनको बताएं कि आप कैसे बिना टाइप किए हुए किसी भी पीडीएफ जेपीजी फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।